जस्ट लाइक बैक टू ओल्ड स्कूल वाला कॉन्सेप्ट हो गया, 2 वीक से हम पीडीएफ में थे या क्लास मिस हो रही थी, और आज जाके वापस हमारी क्लास 3 में आ गई आज. एनी ब्लड प्रॉब्लम? सब सही है सर. सब सही है. ऑलराइट, थोड़ा एक्टिव हो जाओ. 25 स्टूडेंट्स आर हियर. ओके, नाउ इट्स अप टू यू. आज मुझे क्या करना चाहिए पहले आप बताइए मुझे. जितना भी पढ़ाया है उसको एक बार कनेक्ट कर दीजिए सर. यार जितना भी पढ़ाया उसको कनेक्ट कर दूं तो ये तो मतलब हो नहीं पाएगा. ऊपर ऊपर से सर, पूरा डीप में जाके नहीं. डीप में जाके तो नहीं, एक्चुअली क्या है ना, सब चीजें एक साथ लिंक है. तो अगर मैं एक चीज को भी अगर तुमको आज सही तरीके से समझा सकूं तो तुम्हारा काम हो सकता है. अगर एक क्वेश्चन को मैं तुम्हारे को तरीके समझा सकूं तो ये भी कर सकता हूँ. क्योंकि देखो फॉर्मूलास है, फॉर्मूलास को मैं यहाँ पे लिखूंगा, वो तुम याद करोगे, इसको तुमको वापिस उसको देखना, फिर समझना, फिर मैं लिखूंगा. यही चीज चलती नहीं तो हमारा तो टाइम निकल जाएगा. इट्स बेटर कि मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम्हारे को है ना, जो लास्ट क्लास के अंदर जो मैं थोड़ा सा स्पीड में निकला था, तो उसमें से कोई सा भी एक न्यूमेरिकल ले लेता हूँ, और एक जो हमारा फर्दर हमारे पास पैरेलल आरएलसी सर्किट आएगा उसका एक न्यूमेरिकल ले लेता हूँ. तो ये तो मेरी सजेशन है. और इसके अलावा और कोई क्या चाहता है? नींद से जग जाओ सब लोग. मैं सोने तो दूंगा नहीं, मैं इतना बोलूंगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैं बोलता बोलता चुप हो जाता हूँ. अगर किसी ने कान में लगा रखा है तो उसको नींद तो नहीं आनी, इतना तो पता है. या एनी सजेशंस फ्रॉम योर साइड? नो सर. नहीं तो जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ कंटिन्यू करूँ जो मैं करना चाहता हूँ? हाँ सर. ओके चलो ठीक है, फिर अब एक काम करते हैं. लास्ट क्लास के अंदर मैं थोड़ा सा स्पीड में गया था, जिसके अंदर मैंने आपको स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ आरएलसी सर्किट पढ़ाया था. स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ आरएलसी सर्किट पढ़ाया था तो उसका एक न्यूमेरिकल था, मैं उस न्यूमेरिकल को ले रहा हूँ जिसमें 3-4 रेजिस्टेंस थे. ठीक है, उस न्यूमेरिकल को आज हम बहुत डेप्थ तक आराम से समझने की कोशिश करते हैं, और उससे ही रिलेटेड आपके सारे न्यूमेरिकल्स हैं. अगर उससे ही रिलेटेड अगर आपके सारे न्यूमेरिकल्स हैं तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स. कॉपी पेन ले लेना वापस, अभी तक कॉपी पेन नहीं ले रहे थे तो ठीक है, मैं वापस उसी स्टाइल में पढ़ाऊंगा, वापस उसी तरीके से. हाँ लेकिन एक चीज है, लास्ट टाइम मैंने जो आपको करवाया था टॉपिक, वो कराया था आपको स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ सीरीज आरएलसी सर्किट. अब सेम टू सेम चीजें, फॉर्मूला सेम लिखू, थोड़ा सा चेंजेस करके मैं वापस को पैरेलल वाले को करूं, तो यार इतना कोई वर्थ ही नहीं है चीजों के साथ. तो मैं ये करने वाला हूँ, मैं इसका भी न्यूमेरिकल समझाने वाला हूँ और इसके भी न्यूमेरिकल समझाने वाला हूँ, जिससे दोनों की चीजें गए, और इसके तुम्हारे को जो डेरिवेशन का नोट्स है वो तुमको मैं प्रोवाइड कर दूंगा आजकल के अंदर. सो मेरा स्केड्यूल कुछ इस तरीके से है, और कल जो मैंने कुछ समझाया था उसके अंदर से कुछ मैं तुम्हारे को रिवाइज करवा रहा हूँ आज वापिस. या एक न्यूमेरिकल ही ले रहा हूँ मैं, तो सबसे सिंपल वन तो नहीं कह सकता मैं उसको, एक न्यूमेरिकल ले रहा हूँ तुम्हारे को जो लास्ट क्लास के अंदर मैंने न्यूमेरिकल कराया था, जो स्पीडली केसेस कैसे हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, कुछ पता नहीं चलता था, बस हो रहा था. तो आज हम उसको कोशिश करते हैं, तुम लोग भी कोशिश करना समझने की. तुम लोग ये मान के चलना कि आज जो क्लास हो रही है वो एक तरीके से इसके लिए बेसिक्स है. बेसिक्स का मतलब इट्स नॉट दैट बेसिक, लाइक ट्यूशंस करने का तुमको तरीका मिल जाएगा. क्योंकि ट्यूशंस में तुमको सबसे ज्यादा दिक्कत आएगी, पहले तुम रट रहे होंगे चीजों को, अब रटना नहीं. एक पहले मैं डायग्राम बना रहा हूँ, वापस चांस है सबको समझने का. जिसको जो चीज समझ में नहीं आई थी वो वापस चांस है उनके पास, तो समझ लो एक बार.
Okay, the parameters are like that. We need to find out. We need to find out VT, which is the time response, sorry, voltage response, and IT, which is the current response for t greater than zero. For t greater than zero, and we have three cases. We have three cases which are r equals to 5. This is one case, 4 and 1. Next one, r equals to 4 and r equals to 1. इन केसेस को और तरीके से समझ लो. ये एक और चांस मिल रहा है आपके पास. मैं वापस पूरी कोशिश कर रहा हूँ इसको समझाने की. इस बार बोर्ड पे कैसे क्या चल रहा है देखो. क्वेश्चन को समझ लो पहले, उसके बाद में करेंगे हम कैसे सॉल्व करना है. फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट दिस क्वेश्चन वांट्स टू से. आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा, खत्म हो गई कहानी. इसके अलावा कुछ नहीं आएगा. आपको पता होना चाहिए कि एक सोर्स दे रखा है, एक रेजिस्टेंस है, एक इंडक्टेंस है, एक आपके पास है कैपेसिटेंस, और एक और है रेजिस्टेंस, और एक स्विच दे रखा है. तो वैसे इसको भी छोड़ दो, तो उस क्वेश्चन से समझना चाहिए कि यार एक स्विच है तो ठीक है. अगर स्विच को मैं सडनली क्लोज करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, डिस्टर्बेंस आएगा. अगर डिस्टर्बेंस आएगा तो इट मीन दैट देयर वुड बी सम स्टेप रेस्पॉन्स. ओके, ये कुछ बेसिक चीजें जो आपको समझ में आनी चाहिए, जो आप क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपके मन में आना चाहिए. ओके, अगर ये मैं सर्किट ये जो स्विच है, स्विच को अगर ओपन रखता हूँ तो मेरे पास ये 1 ओम का रेजिस्टेंस का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो भी रहेगा वो सीरीज आरएलसी. तो मेरे पास उधर की तरफ अगर आप देख सकते हो तो ये तीनों चीजें, ये तीनों आर एल और सी, ये तीनों किसमें आपके सीरीज के अंदर है. तो ये सब चीजें आपको खुद ही निकालनी पड़ेगी. ये किसके अंदर है आपके पास, आरएलसी सीरीज आरएलसी है. जिसको नहीं दिख रहा है तो उसको मैं दिखा देता हूं. दिस इज योर सीरीज आर एल सी, दिस इज योर सीरीज आर एल सी. ओके, सो सीरीज आर एल सी. ओके सर, यहां तक चीज अभी. तो सर इसके अंदर क्या करना है यार, तुमने यहां तक तो समझ लिया कि सीरीज आर एल सी सर्किट है. यहां भी समझ लिया कि स्विच है. स्विच का काम क्या होता है, स्विच का काम या तो ओपन रहने का होता है या क्लोज रहने का होता है. अब अगर इसको क्लोज करोगे तो ये 1 ओम का रेजिस्टेंस भी इससे कनेक्ट हो गया. अगर इसको क्लोज करते हो तो 1 ओम का रेजिस्टेंस भी कनेक्ट हो गया. अगर क्लोज कर दोगे तो इट मीन दैट ये क्लोज हो गया, तो आपके पास ये वाला जो कैपेसिटर है और ये जो इंडक्टर है वो क्या हो गया आपके पास. ये वाला कैपेसिटर और ये वाला इंडक्टर क्या हो गए, ये अपने नॉर्मल फॉर्म में रिलाई करेंगे नहीं. कैपेसिटर वुड बी ओपन सर्किट एंड इंडक्टर वुड बी शॉर्ट सर्किट. ओके, अगर इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो गया, ये भी शॉर्ट सर्किट हो गया, ये शॉर्ट सर्किट हो गया, ये ओपन सर्किट हो गया. अच्छा, यहां तक भी चीज समझ में आई, यहां तक भी मैंने आपको समझा चुका था. अब इसके बाद क्या फाइनल क्या निकालना है, रेस्पॉन्स मतलब वीटी, और क्या निकालना है आईटी. वीटी एंड आईटी ये आपको निकालना है. अब देखो वीटी और आईटी निकालने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए वीटी निकालना है. वीटी मतलब टाइम वो करंट वोल्टेज रेस्पॉन्स. एंड सर आपने तीन टाइप के रेस्पॉन्स बताए थे. एक हो सकता है आपका ओवरडैम्प्ड, एक हो सकता है क्रिटिकली, एक हो सकता है आपका अंडरडैम्प्ड. ये तीन रेस्पॉन्स आपने बताए थे. तीन रेस्पॉन्स बताए थे सर. तीनों के रेस्पॉन्स के जो फाइनल जो वैल्यूज थी वो अलग अलग थी, तीन इक्वेशंस थी, बिल्कुल थी. आपको लिखवा रखा हूं मैं, आपको बता चुका हूं. तो था तीनों में से कौन सी लगेगी, वी डोंट नो, हमें नहीं पता कि तीनों में से कौन सी लगी. सो वी नीड टू चेक वन बाय वन, वी नीड टू चेक वन बाय वन एंड वी विल डू इट. सो अभी हमारे को ये पता है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू तीन दे रखी है हमारे को, और हमें कहां पहुंचना है, रेस्पॉन्स तक पहुंचना है. क्यों मैं पहुंच रहा हूं रेस्पॉन्स तक, बिकॉज मेरे पास यहाँ स्विच है, सोर्स है. जैसे ही कनेक्ट करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, सोर्स के कारण यहाँ पे डिस्टर्बेंस आएगा, स्टेप रेस्पॉन्स डिस्टर्बेंस. जैसे कनेक्ट करूंगा तो सडन डिस्टर्बेंस, तो वही कैलकुलेट करना. इट मीन दैट आई नीड टू कैलकुलेट स्टेप रेस्पॉन्स इन आरएलसी सर्किट विच इज इन सीरीज. आई नीड टू कैलकुलेट स्टेप रेस्पॉन्स इन आरएलसी सर्किट
ये मेरा क्वेश्चन है, ये मेरे को यहाँ तक समझ में आना चाहिए, इतनी चीजें समझ में आनी चाहिए। ये मैं शायद हो सकता है पीडीएफ के टाइम पे नहीं बता पा रहा हूँ आपको, लेकिन सबको क्लियर है करना क्या है मुझे। एवरीवन हैज क्लियर दिस थिंग दैट व्हाट दे नीड टू डू हियर, हाउ दे शुड स्टार्ट एंड हाउ फार दे नीड टू गो एंड एट व्हाट दे नीड टू अराइव। क्लियर और नॉट मुझे बताइए, मैं वापस समझाता हूँ अगर नहीं आता तो। यस सर। ओके गुड। यस ओनली दो स्टूडेंट्स का ये साया, बाकी को क्या 34 स्टूडेंट्स को वापस समझाना पड़ेगा। ओके दैट्स गुड। 3-4 गाइस एक्टिव रहिए यार, मैं इतने दिनों बाद क्लास में रहा हूँ तुम्हारे साथ, तो आई नीड सम एक्टिवनेस, डोंट बी पैसिव। यस राजू गुड। अब यहाँ तक क्लियर हो गई चीजें। ओके सर क्या करना है, हमें वोल्टेज रेस्पॉन्स तक पहुंचना है। वोल्टेज रेस्पॉन्स तक पहुंचेंगे तो हमें क्या लेना है, सबसे पहले केस फर्स्ट ले लो। केस फर्स्ट क्या कहता है, केस फर्स्ट कुछ नहीं कह रहा सर, केस फर्स्ट कुछ भी नहीं कहता। केस फर्स्ट सिर्फ इतना सा कहता है कि आर की वैल्यू 5 ले लो, उसके बाद देखेंगे क्या आ रहा है हमारे पास। इतना सा कहता है केस फर्स्ट। केस फर्स्ट अगर मैं ले लिया तो केस फर्स्ट के अंदर सिंपल सी चीज, आपको एक चीज बता रहा हूं, आपको एक बार लेके चलना है टी लेस देन 0 एंड टी ग्रेटर देन 0। अब सर ये हमारे को इतने दिनों से समझ में नहीं आ रहा कि ये टी लेस देन 0 भी ले लेते हो, टी ग्रेटर देन 0 भी ले लेते हो, कभी टी लेस देन 0 पे ओपन कर देते हो, कभी टी लेस देन 0 पे क्लोज कर देते हो। यार तुम यहाँ देखोगे तो समझ में आ जाएगा ना, टी लेस देन 0 और टी ग्रेटर देन 0। टी लेस देन 0 का मतलब क्या है, टी लेस देन 0 का मतलब क्या है यहाँ पे, यानी इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास स्विच बहुत पहले से क्लोज्ड है, मतलब टी इक्वल्स टू 0 पे जाके ये हमारे पास ओपन हुआ है, और टी ग्रेटर देन 0 के बाद में यहां से यहां तक ये हमारे पास सर्किट ओपन ही है, और इससे पहले हमारे पास क्या है, सर्किट क्लोज ही है। ठीक है, टी लेस देन 0 मतलब स्विच क्लोज। ठीक है, अगर स्विच क्लोज है, इफ स्विच इज क्लोज्ड, तो इट मीन दैट सर, इतना तो आपने बार बार में रटा दिया ये इन सर्किट में कि इंडक्टर तो हो जाता है शॉर्ट सर्किट और कैपेसिटर हो जाता है सर ओपन सर्किट, इतना तो आपने बार बार में रटा दिया, तो रटा दिया ना सर। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन ड्रॉ कर सकते हैं वापस, अगर हम कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो सर यहां तक तो हमारे को चीजें समझ में आ रही है कि यहाँ पे मेरे पास आ रहा है आर की वैल्यू 5 और सर ये इंडक्टर था, इंडक्टर को मैंने कर दिया शॉर्ट, और सर इसके बाद में ये कैपेसिटर था, कैपेसिटर को मैंने कर दिया इस तरीके से ओपन, और सर फिर इसके बाद सर्किट तो क्लोज हो गया, सर्किट क्लोज हो गया तो मैंने इसको इंडक्टर को वो सॉरी एक रेजिस्टेंस था इसको रख लिया, तो ये हो गई 1 ओम, ये हो गया 5 ओम और ये हो गए 24 वोल्ट। सर यहां तक आपने समझा दिया था, जो जो चीज समझा सकते थे आपने पूरा कर दिया था, या इतना तो मैं भी आपको बोलता हूँ कि यहां तक मैंने आपको समझा दिया है, कर भी दिया है, आपको प्रिपेयर कर दिया है, बना भी दिया है कि यहां तक कर सकते हो आप लोग। तो सर अब यहां तक कर लिया तो यहां से हम क्या क्या कर सकते हैं। अरे यार यहां से तुम लोग पता क्या क्या कर सकते हो, ये इनिशियल स्टेज हो गई, इनिशियल स्टेज हो गई तो इनिशियल वैल्यूज पता होनी चाहिए हमारे को, टी इक्वल्स टू 0 मतलब से पहले वाली कंडीशन, मतलब पहले प्रीवियस कंडीशन, प्रीवियस कंडीशन में हमारे को इनिशियल वैल्यू निकालनी है। तो यहां से अगर मान लो मैं V0 निकालना चाहूं तो V0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, कोई बता सकता है क्या V0 की वैल्यू कितनी आएगी, और I0 की वैल्यू। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, यही मैं समझाना चाह रहा हूं आपको, इसलिए मैंने क्लास को वापस स्टार्ट किया। यही गलत चीज है कि आपने बताया 24 वोल्ट, ये गलत है, आप इसे समझे नहीं हो। आप समझने की कोशिश करोगे तो समझ जाओगे कि ये V0 और I0 किसकी है, V0 और I0 किसकी वोल्टेज है ये और किसकी करंट है, तो बताएगा मुझे कैपेसिटर और इंडक्टर। यस कैपेसिटर और इंडक्टर, तो ये V0 है, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी जो इसके अक्रॉस होगी, 6 वोल्ट। 6 वोल्ट नहीं आ रहा, 6 वोल्ट नहीं आ रहा है इसने, आंसर 4 वोल्ट आ रहा है, देखते हैं अभी कहां गलती हो रही हमारी। फिर समझो V0 मतलब कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज, अब कैपेसिटर तो है नहीं तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होती वो यहां इस 1 ओम के अक्रॉस भी होती, बिल्कुल होती, तो सर क्यों, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल है तो हमारे को क्या दिक्कत है सर, I0 है तो I0 का मतलब क्या होता है, I इक्वल्स टू क्या होता है,
I equals to हमारे को अगर निकालना है तो इसके अक्रॉस अगर मान लो मेरे पास V नॉट निकालनी है, अगर इसके अक्रॉस मुझे करंट पता हो I नॉट, मतलब I अगर मुझे पता हो तो मेरे, क्योंकि ये देखो I जा रही है तो I, सॉरी इधर देख सकते हैं, अगर I जा रही है तो ये मैं समझ सकता हूँ कि ये मेरे पास I नॉट तो नहीं बोल सकता, हाँ I नॉट बोल सकता हूँ ना, क्योंकि देखो इंडक्टर के अंदर I नॉट जा सकती है, तो I नॉट V equals to I into R, तो I नॉट अभी मुझे पता नहीं है तो उसको ऐसे कैसे छोड़ दो, और R का मतलब हो गया मेरे पास 1 ओम। अभी कैलकुलेट कर लेते हैं, अब बच रहा है I नॉट, अभी I नॉट निकालना है मुझे, तो I नॉट कैसे निकालूंगा यार, I नॉट तो सिंपल सा है ना, मेरे को सीरीज दिख रहा है सब कुछ, सीरीज दिख रहा है, I इक्वल्स टू क्या होता है V बाई R, V कितना है 24 और R कितना है 5 और 1 सीरीज में है तो 6, तो ये हो गया मेरे पास 4 वोल्ट, अगर ये 4 वोल्ट है तो इसको मैं ऊपर रखूंगा तो मेरे पास कितना हो गया 4 एम्पियर, अगर ये 4 है तो ये कितना हो गया मेरे पास 4 वोल्ट, क्या किसी को समझ में आया क्या कर रहा हूं मैं? यस सर, यस सर। कंफ्यूजन हो तो अभी तक समझा दो, मैं अभी तक बहुत बिल्कुल बेसिक्स लेके चल रहा हूं, एक क्वेश्चन ही कराऊंगा आज मैं, इससे ज्यादा नहीं करा रहा मैं आपको, एक क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, अभी आधा घंटा है, आधे घंटे में तो कोशिश करेंगे हो जाएगा, यहां तक भी नहीं आ रहा हो तो मुझे पूछ सकते हो कि सर बता दो वापस, क्योंकि देखो पता है क्या है, मैंने आपका बेस बनाया, ये जो जितने भी कर रहा हूं ना ये चीजें छोटी छोटी, ये मैं हम पहली क्लास में कर चुके हैं, जिसे बोलते थे हम जीरो क्लास, तो ये तो बहुत चीजें आगे आ गई है, आज के बाद मैं कोशिश करूंगा मैं एसी पे आऊंगा, मैं डायरेक्ट आज डीसी खत्म कर रहा हूं मैं आपका, डीसी के बाद हम नेक्स्ट क्लास करेंगे हम एसी की, और बीच में आपको असाइनमेंट दूंगा वो तो करते रहेंगे हम इसको। ओके, क्या क्वेश्चन खत्म हो गया? नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ है आपका क्वेश्चन, अभी हमारे पास क्वेश्चन सेकंड स्टार्ट हो रहा है, अभी तक तो हमारे टी को लेस देन जीरो पे बात कर दी, अब हम टी ग्रेटर देन जीरो पे बात कर रहे हैं, टी ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या हो गया, टी ग्रेटर देन जीरो का मतलब हो गया सर आपने इसको क्लोज कर लिया, सॉरी ये ओपन था, जैसे टी ग्रेटर देन जीरो हुआ मतलब टी की वैल्यू इक्वल हुई, तो इसका मतलब आपने सर स्विच को आपने क्या कर दिया, ओपन कर दिया, स्विच ओपन कर दिया, तो सर साफ साफ दिख रहा है मेरे को, सर्किट में वापस बना रहा हूं, स्विच आपने ओपन कर दिया, स्विच ओपन कर दिया, तो इसका मतलब सर ये जो रेजिस्टेंस था ना, जो ये साइड में इकलौता था ये हट गया, कोई मतलब नहीं है सर इसका, लेकिन अगर मैं इधर की बात करूं तो सर ये तीनों मेरे पास आर एल सी हो रहे हैं और ये तीनों मेरे पास सीरीज में आ रहे हैं, यहां मेरे पास आया है पहली बार वर्ड सीरीज, सीरीज आर एल सी सर्किट पहली बार आया मेरे पास वर्ड, तो यहां मेरे पास सीरीज दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, मैं भी मान लेता हूं कि दिख रहा है, तो अगर यहां दिख रहा है तो अब मैं क्या कर सकता हूं, यहां मैं कर सकता हूं जो मैंने आपको सिखाया अभी पिछली क्लासेस के अंदर, यहां मैं कर सकता हूं कि मेरे को जस्ट आपके रेस्पॉन्स मैंने सिखाया है, रेस्पॉन्स से पहले मैंने आपको क्या टॉपिक बताया था, एक अरे नाम भूल गया मैं, तो मैं बताता हूं, कैसे भूल जाता है, सोर्स फ्री पैरेलल आरसी सर्किट मैंने ये सिखाए थे आपको, तो अगर ये ओपन है तो मैंने इसको जो 24 वाला जो वोल्टेज का सर्किट है मैंने इसको क्या मान रहा हूं, डिफ्यूज सर्किट मान के चल रहा हूं, मैं इसको क्या मान के चल रहा हूं, डिफ्यूज सर्किट मान के चल रहा हूं, अच्छा क्योंकि अगर मैं डिफ्यूज नहीं मानूंगा ना इसको तो मेरा कैपेसिटर इंडक्टर क्या हो जाएगा शॉर्ट और कैपेसिटर क्या हो जाएगा ओपन, तो मेरा कोई करंट फ्लो ही नहीं होगा, तो मैं क्या अज्यूम करके चल रहा हूं मेरा 24 वोल्ट सोर्स क्या है डिफ्यूज है, तो मेरे पास बचा क्या एक आरएलसी सर्किट, क्या यहां तक समझ में आई चीजें, डिड यू गेट इट, चल हियर कि इस सर्किट से मैं आगे क्या करने वाला हूं, यस नो, अरे कभी वो स्टूडेंट बोला करो जो मतलब नहीं बोलते हैं, जिनको पहली बार भी समझ में आ रहा है तो वो तो बोलो, नो वन, थक गए क्या ऑनलाइन क्लास लेते रहते, पंद्रह तारीख से सेंटर ने तो बोल दिया खोलने के लिए,
नहीं कॉलेज कब तक खोलेगा ये मुझे नहीं पता, राजस्थान गवर्नमेंट कब तक अलाउ करने वाला, मना कर दिया लेकिन स्टेट ने मना कर दिया क्योंकि जयपुर बहुत रिस्की जोन में हो रखा है अभी। यार तुम लोग अपना माइंडसेट कर लो, ये सेमेस्टर तुम्हारा ऐसे जाने वाला है ऑनलाइन, माइंडसेट कर लो। थोड़ा सा बचा है, हम 50 क्रोर्स क्लासेस ऊपर, मतलब सिलेबस तुम्हारा अदर सब्जेक्ट में मुझे पता नहीं शायद 70-80% हो चुका होगा, हमारा तो अभी 50% पे चल रहा है अभी, हमारा 50% पे चल रहा है। और 50% पे इसलिए पहुंच रखा है क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें पीछे वाली भी करवाई है, आगे वाली भी करवाई है, और मैं स्लो भी करवा के तुमको समझाने की कोशिश करूंगा। सब्जेक्ट ऐसा है, अगर मैं घास काटना चाहूँ जल्दी जल्दी करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यार एग्जाम तुम्हारा ऑनलाइन होगा या नहीं होगा ये मैं नहीं कह सकता, इस पे श्योर नहीं हूं मैं, एग्जाम का मैं नहीं कह सकता, आई कैन नॉट से। ओके सो नाउ बैक टू दिस क्वेश्चन, थोड़ा एक्टिव हो जाए करो, मुझे बार बार में बीच में इंटरप्ट करना पड़ता तुमको। अच्छा ठीक है, ये सीरीज आरएलसी हो गया, ध्यान रखना सोर्स डिफ्यूज कर रखा है, तो मेरे पास क्या हो गया, तो मैंने आपको बता दिया कि 1 ओम का रेजिस्टेंस को डिस्कनेक्ट कर दिया है, 1 ओम का रेजिस्टेंस को डिस्कनेक्ट कर दिया है, तो आ जाओ वापस सोर्स फ्री आरएलसी सर्किट, मैंने आपको सिखा चुका हूं सोर्स फ्री आरएलसी सर्किट हो रखा है, तो अल्फा की वैल्यू निकालनी है, अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है मेरे पास, कोई बता सकता है, फॉर्मूला याद नहीं हुआ किसी को, अल्फा इक्वल्स टू आर अपॉन 2l और ओमेगा नॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट एलसी, अल्फा नेपर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा नॉट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, अगर इनकी वैल्यूज रखता हूं तो आर अपॉन 2l, आर अपॉन 2l की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास लगभग 2.5 और उसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2, ठीक है बेसिक सी चीज है ये तो कर भी लोगे। तो अगर मैं रूट्स की बात करता हूं तो रूट्स की बात भी मैं निकाल सकता हूं, 1 and 2 रूट्स माइनस अल्फा प्लस माइनस, ये फॉर्मूले रट जाने चाहिए तुम्हारे को, अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, अगर ये वैल्यूज रखता हूं तो मेरे पास इसके आंसर आ रहे हैं, एक बार मेरे पास कुछ आ रहा है -1 और -4, अगर -1 और -4 आ रहे हैं मेरे पास तो -1 और -4 रूट्स आर माय रियल एंड नेगेटिव, ओके रूट्स रियल एंड नेगेटिव है, तो मेरे पास यहाँ से एक चीज पता चलती है कि अल्फा ज्यादा है मेरा ओमेगा नॉट से, अगर अल्फा ज्यादा है ओमेगा नॉट से तो पहला कौन सा केस आता है मेरा, ओवरडैम्प्ड, ओके सर यहाँ तक चीज समझ में आ गई, सर ओवरडैम्प्ड समझ में आ गया, तो अब हम लिंक कर सकते हैं कि कौन सा रेस्पॉन्स लगाना है, ओवरडैम्प्ड आ गया ना, तो सर मुझे इतना पता है आपने फॉर्मूला बताया था मेरे को, एक इक्वेशन बताई थी आपने फॉर्मूला की, कि अगर ओवरडैम्प्ड आ जाए तो मेरे को क्या करना है। अब सर एक और चीज आपने बताई थी, वो तो सोर्स फ्री के अंदर बताया था, अभी आपने एक स्टेप रेस्पॉन्स बताया था, तो स्टेप रेस्पॉन्स को आपने एक चीज बताई थी सर हमारे को, स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ आरएलसी सर्किट या स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ पैरेलल आरएलसी सर्किट, एक चीज बताई थी सर आपने कि टोटल जो रेस्पॉन्स होता है ना, आपने एक चीज बताई थी सर वो याद आ रही है कल भी, कि जो टोटल रेस्पॉन्स होता है ना वो 2 रेस्पॉन्स के बराबर होता है सर, एक होता है आपने बताया था एक वीटी दैट इज ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स, और एक होता है वीएसएस दैट इज स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स, सर ये तो भूल ही गया था बताना, आप कल ही बता रहे हैं आप खुद ही भूल गए, हाँ यार थोड़ा सा दिमाग से निकल गई थी, ओके तो सर ये वीएसएस तो आपने ये बताया था कि ये वैल्यू तो होती है फिक्स, दिस इज योर वी इंफिनिटी, और वी कैन से दिस इज योर वैल्यू ऑफ फाइनल वैल्यू ऑफ कैपेसिटर मीन्स फाइनल वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर, तो ये भी बताया था हमने, तो यहाँ पे सर वेरी क्या करता है, वेरी करती है ये वाली वैल्यू वीटी, ये वेरी करती है, ये जो इक्वेशन है ये तीनों रेस्पॉन्स के लिए सेम है, मतलब ओवरडैम्प्ड कंडीशन के लिए भी सेम रहेगी, क्रिटिकल के लिए भी सेम रहेगी, एंड अंडरडैम्प्ड के लिए भी सेम रहेगी, तो सर चेंजेस कहाँ है, VSS भी सेम रहेगा लेकिन वीटी बार बार में चेंज होगा, वीटी तीनों के लिए अलग अलग है, VSS तो सेम है, तो वीटी तीनों के लिए अलग अलग है, तो क्या कर सकता हूं मैं, तो वीटी के लिए बात करनी पड़ेगी, तो सर वीटी के लिए आपने एक चीज बताई थी, ओवरडैम्प्ड कंडीशन है तो वीटी का आपने एक इक्वेशन बताई थी, वीटी इक्वल्स टू वीटी वोल्टेज रेस्पॉन्स इक्वल्स टू A1 e की पावर माइनस टी प्लस A2 e की पावर माइनस टी, सर ये बताया था आपने, यस आई एम राइट, मैंने बताया था यही करना था मुझे,
यही निकालना है मुझे, पहला केस तो मेरा यही है। क्या यहां तक समझ में आया किसी को, यहां तक समझ में आया किसी को या नहीं? ये सुनो गाइस, यस सर, जो चल रहा है सही है या फिर मैं थोड़ा स्पीड बढ़ाऊं? क्योंकि तुम पढ़ चुके हो, तुमको पढ़ चुके हो थोड़ा सा, तो तुमको समझ में भी आ रहा होगा। या चलने दो अभी ऐसा ही, देखो मेरे को तो सब कुछ चल जाएगा, मैं तेज भी चला सकता हूँ, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि मैं लिंक कर रहा हूँ हर चीज को, एक क्वेश्चन के अंदर ही सब कुछ चीजें लिंक करके चल रहा हूँ मैं, तो मैं आप लोगों के ऊपर डिपेंड हो रखा हूँ अभी कि आप लोग कितना समझ में आ रहा है, क्योंकि ये वाली क्लास आप बहुत दिनों बाद स्टार्ट कर रहा हूँ मैं इस तरह से। तो चीजें समझ में आ रही है? यस, मान के चल लू, ठीक है। आगे देखो, अभी मेरे को सिर्फ एक को समझाऊंगा, आपको तीनों समझ में आएंगे क्वेश्चन। अब इसके बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रब कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज रब करनी है मुझे, रब करने की इच्छा तो नहीं है, करना तो पड़ेगा ही, करना पड़ेगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है उस चीज का। लिया था तो बहुत अच्छी बात है। ओके, तो केस वन के अंदर अगर मैं रेस्पॉन्स की बात कर रहा था तो vt equals to a1 e की पावर माइनस t प्लस a2 equals to e की पावर माइनस t, यही मुझे करना था। यस सर, यही मुझे करना था। एक सेकंड, मैंने गलत लिख दिया। देखो मैं गलती करूँ तो मुझे बता दिया करो, गलती करूँ तो मुझे बता दिया करो, क्योंकि देखो बहुत सारी रहती है तो होता नहीं है। फॉर्मूला ये नहीं था, फॉर्मूला था a1 e की पावर s1 t प्लस a2 के पावर e s2 t, क्या ये था? ये चलो मैं बड़ा लिख देता हूँ, लेकिन फॉर्मूला ये था। आप लोग मुझे थोड़ा सा बता दिया करो एक बार, क्योंकि मैं फ्लो फ्लो में लिखता हुआ गया हूँ। s1 t प्लस a2 की पावर E, A2, E की पावर S2, T, क्या ये था या नहीं? थोड़ा सा बता दिया। IT आएगा ना? क्या आएगा? IT आएगा ना, रिस्पॉन्स सीरीज में तो IT होता है। IT होता है, लेकिन हम IT निकालेंगे। किशोर ने क्या कहा था भी? पहले VT निकालना है, फिर IT निकालना है। यहाँ पे VT निकालने के लिए हमारे को चेंज करना पड़ेगा C equals to I equals to C dot dV by dt। अभी कंप्लीट कर रहा हूँ। बिल्कुल सही है, तुम बिल्कुल सही हो कि जो मैंने बताया था उससे थोड़ा सा मैं डिफरेंट चल रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन जो कह रहा है मेरे को उसके अकॉर्डिंग तो चलना पड़ेगा। ठीक है, S1 और S2 मुझे पता है। यस, मुझे S1 पता है माइनस वन वैल्यू है और S2 पता है माइनस फोर वैल्यू है। ठीक है सर, तो फिर A1 और A2 नहीं पता। यस, मुझे A1 और A2 नहीं पता, तो मैंने A1 और A2 आपको बताया था कि उससे कैसे निकालते हैं डेरिवेशन से। मैंने बताया था कि A1 और A2 कैसे निकालते हैं, तो डेरिवेशन मैंने आपको बताया था कि A1 के लिए कुछ नहीं करना होता, आपको V0 निकालना होगा, और A2 के लिए क्या करना होता था आपको? dV0 upon dt निकालना होता था। ये तो बताया था सर आपने, इतना तो बताया था, लेकिन V0 का मतलब क्या होता है सर? V0 का मतलब आप बता सकते हैं? बिल्कुल सिंपल है ना यार, इनिशियल वैल्यू। और इनिशियल वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाली थी, इस जगह ही निकाली थी, जिसके अंदर इसमें मैंने शायद एक 6 वोल्ट बताया था, वो थोड़ा सा गलत था, उसका 4 वोल्ट मुझे बताया था। तो V0 की वैल्यू तो कितनी हो गई मेरे पास? 4। यहां से पता चल गया ना, एक वैल्यू तो आ गई मेरे पास। क्लियर, आई कैन पुट इट एज इक्वेशन नंबर 1। अब dV0, dV0 में निकाल सकते हैं अपन। dV0 का मतलब क्या होता है पहले तो एक बार चेक करो कि dV0 का मतलब है क्या चीज मेरे पास। अगर dV0 का निकालने का मतलब, मेरे पास बहुत सारे तरीके होते हैं निकालने के, तो लेकिन मेरे को एक फॉर्मूला पता है, I नॉट। I नॉट मतलब क्या होता है? C dV नॉट अपॉन dt। क्या किसी को समझ में आ रहा है ये चीज मैंने कैसे निकाली है?
आई इक्वल्स टू सी डॉट डी वी अपॉन डी टी, ये फॉर्मूले को मैंने से क्या मतलब इनिशियल करंट और कैपेसिटर और वोल्टेज के बीच में रेशियो निकालता हूं, यहां से अगर मैं डी वी नॉट अपॉन डी टी निकाल सकता हूं तो वो आ जाएगा मेरा सी अपॉन आई नॉट, और सी मेरे को पता है कितनी वैल्यू थी, मेरे को नहीं पता सी की बताने बात है मुझे बता दिया करो, क्या होता है कि कई बार है ना चीजें इतने पास से मैं हूँ कि मुझे कभी कभी गलत हो जाता है। फोर दैट इज 0.25, डीवी नॉट की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 16 आ गई लगभग। This is my second equation. So, sir, A1 में निकल गया, A2 में निकल गया, क्या चाहिए हमारे को? अब कुछ नहीं चाहिए मुझे, मुझे तो सिर्फ डायरेक्ट वैल्यू रखनी है मुझे अब। तो सर अब डायरेक्ट वैल्यू रख दूं क्या मैं? लिख तो सकता हूँ डायरेक्ट वैल्यू, लेकिन क्या मेरे लिए सर ये फ्रूटफुल है, ये तरीका सही है मेरे पास डायरेक्ट वैल्यू लिखने का? तो देखो अब मेरी बात सुनो, डी वी नॉट इसका मतलब ये नहीं है कि A1 की वैल्यू ये हो गई और A2 की वैल्यू ये हो गई, बिल्कुल डायरेक्ट हम इसको उठा के यहीं पुट कर सकते हैं या ऐसा कुछ कर सकते हैं। हमें क्या करना पड़ता है, पहले A1 A2 की वैल्यू इसके रेस्पेक्ट में निकालनी होती है। तो अब देखो मैं इसी इक्वेशन को वापस यूज कर रहा हूँ, देखना मैं क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विथ रेस्पेक्ट टू टाइम के इसकी वैल्यू को। तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो डी वी नॉट अपॉन डी टी, अब ये वैल्यूज इसमें रख देता हूं मैं, ठीक है ये वाली वैल्यूज मैं इसमें रख रहा हूं, तो ये हो गया मेरे पास -1 और ये वैल्यू रख देता हूं तो ये हो गया मेरे पास -4, ठीक है। अब डिफरेंशियल अगर मैं सिखाने बैठूंगा तो मैं हो गया आपका सर्किट का टीचर हूं, मैं आपका डिफरेंशियल सिखाने वाला टीचर नहीं हूं, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। अगर नहीं आता किसी को तो प्लीज अपने मैथमेटिक्स वाले टीचर से पूछना, और अगर फिर भी नहीं आता है तो फिर बाकी मुझसे पूछ लेना एक बार, तब भी मैं बता दूंगा। e की पावर अल्फा टी का फॉर्मूला क्या होता है वो इतना सा बताता हूँ, इसका डिफरेंशियल होता है अल्फा e की पावर टी, ये इसका डिफरेंशियल होता है, नहीं आता तो याद रखना। ओके सो ये आ गया मेरे पास, अच्छा अगर ये ए टू भी आएगा यहाँ पर, ओके अगर ये आ गया मेरे पास तो मुझे पता है इसकी वैल्यू कितनी है, मैंने अभी निकाली है इसकी वैल्यू 16 निकाली है, तो ये 16 हो गया, और A1 की वैल्यू अभी अभी निकाली थी मैंने 4, ये 4, ये A2 इसकी वैल्यू नहीं होती, A2 को निकालने का तरीका होता है, समझना मेरी बात, A2 इसकी वैल्यू नहीं होती है, A2 को निकालने का तरीका होता है, फिर सुनिए, ये A2 की वैल्यू नहीं होती है, A2 निकालने का तरीका होता है, समझ रहे हैं आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूं या नहीं? यस सर, क्योंकि मैं आपको और चीजें भी और भी तरीके से समझा सकता हूँ, लेकिन मैं चलो इसको एक और चीज समझाओ, मैं इसको 4 भी नहीं लिख रहा हूँ, ये 4 भी नहीं लिख रहा हूँ, ये इसका मतलब ये इसका इक्वल नहीं है, ये ध्यान रखना, ये इक्वल नहीं है और ये इक्वल नहीं है। A1 निकालने का तरीका इससे आएगा और A2 निकालने का तरीका इससे आएगा, जो अगर इसको इक्वल करके चलाना तो उसके लिए बहुत गलत हो जाएगा। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इससे भी समझ सकते हो, इतनी चीजें मैं तुमको वहां नहीं बता सकता PDF में, तो यहां बताने की कोशिश करो। एक इक्वेशन को तो रख लो ये 2, ठीक है। अब ध्यान रखना, अब मैं अभी थोड़ा सा यहां तक तो कर लिया तुमने, ये इस वाले सेक्शन को छोड़ दो, इस वाले सेक्शन को छोड़ दो, छोड़ दो, एक बार आ जाओ इस पे, इस वाली चीज पे आ जाओ, V0 4 पे आ जाओ, यहां से लेके यहां पे, अच्छा V0 की वैल्यू 4। तो देखो इस इक्वेशन को मैं कंटिन्यू करता हूँ, तो यहाँ पे V0 टी मतलब टी की वैल्यू को 0 रख रखा है और A1 को ऐसे के ऐसे रख रखा है, e की पावर ये कितना हो गया मेरे पास बता सकते हो कितना हुआ? अगर यहाँ टी रख देता हूँ, टी की वैल्यू 0 रख देता हूँ, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 1। और यहाँ पे देखो इस इक्वेशन में मैंने यहाँ पे 0 भी रख रखा है, तो यहाँ पे मैं इस इक्वेशन को और सोल्व करूंगा तो ये मेरे पास -A1 -4A2, ये मेरी फाइनल इक्वेशन होगी, इसको बोलता हूँ मैं 2, क्योंकि यहाँ मैंने टी की वैल्यू 0 रख रखी है और दोनों रख दी मैंने, तो यहाँ से टी की 0 रखी और यहाँ से देखो यहाँ पे V0 A1 plus A2, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी है 4 A1 plus A2,
ये इक्वेशन नंबर वन। आप किसी को समझ में क्लियर आया होगा कि मैंने ये वी जीरो से तो एक इक्वेशन निकाल ली और डी वी वाई जीरो से दूसरी इक्वेशन निकाल ली, अगर इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, अदरवाइज मेरे पास आंसर नहीं आता। क्या मेरा यहाँ पे भी आंसर आ सकता है? देखो थोड़ा सा और यहाँ पे सस्पेंस है, थोड़ा सा और सस्पेंस है। सर अगर यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालना चाहते हो तो ठीक है आप निकाल लो सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, एक चीज और थी, एक चीज और थी, वो तो आपने अभी तक करी नहीं। सर आपने ये तो रेस्पॉन्स लिख लिया, ये कौन सा रेस्पॉन्स है कोई मुझे बता सकता है? ये वाला रेस्पॉन्स कौन सा है? थोड़ा सा दिमाग पे फोकस करो, फोकस ऑन माइंड, ये कौन सा रेस्पॉन्स है? स्टेप रेस्पॉन्स है ये सर? इसे नहीं, एक दूसरा रेस्पॉन्स का नाम बताया था अभी आपको, ये दूसरा रेस्पॉन्स है। स्टेप रेस्पॉन्स को कॉम्बिनेशन होता है किसका? स्टेप रेस्पॉन्स का कॉम्बिनेशन ऑफ तो ये है आपका फाइनल रेस्पॉन्स और ये था आपका ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स और ये था आपका स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा लेना क्योंकि यही चीज फाइनल वाली है, यही चीज आने वाली है। सो इसकी वैल्यू होगी मेरे पास कितनी? VT, मतलब ये स्टेप रेस्पॉन्स है, मतलब फाइनल वाली, तो ये हो गई V0। V0 का मतलब क्या हो गया मेरे पास? V0 का मतलब क्या होगा मेरे पास? कोई कुछ एक और चीज, इसको ऐसे रख लो, ये VT मतलब ये नीचे वाला, मतलब ये ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स, ये ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स को ऐसे कैसे रखो? VT मतलब V0 मतलब ये आपकी इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट इक्वल्स टू ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स इक्वल्स टू स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स। तो ये V0 की वैल्यू तो मेरे पास जीरो रहेगी, नहीं सॉरी, V0 की वैल्यू मेरे पास क्या रहेगी? यहाँ से निकालती मैंने 4, ये 4 रही। और VT मतलब ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स, ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स का एक्सप्रेशन आ रहा है मेरे पास A1 + A2। ठीक है, और मेरे पास VSS, ये VSS का मतलब है मेरे पास स्टेडी स्टेट वैल्यू और वी कैन से फाइनल वैल्यू ऑफ कैपेसिटर। फाइनल वैल्यू ऑफ कैपेसिटर हमारे पास क्या हो सकती है? फाइनल वैल्यू ऑफ कैपेसिटर होती है जितना मैक्सिमम आपके पास सोर्स कनेक्टेड है किसी सर्किट में उतनी, तो वो है हमारे पास 24 वोल्ट। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास आता है -20 = A1 + A2। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज नॉट। सर यहाँ क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ जरूरत नहीं है, या मुझे डीवी नॉट बाई डीटी में निकाल सकता हूँ डायरेक्ट। क्या समझ में आया या फिर सब मिक्स हो गया? समझ में आया या मिक्स हो गया? मिक्स हो गया, या आई कैन से थोड़ा सा मिक्स हो गया होगा, थोड़ा सा मिक्स हो गया होगा। वो एक्चुअली मैंने ये वाली जो चीज थी ना उसको मेरे को पहले समझानी चाहिए, मैंने थोड़ा सा डिले कर गया मैं इसको, ये मेरी मिस्टेक रह गई मिक्स होने की, आपके थोड़ा सा कंफ्यूजन होने की, लेकिन ठीक है। जहां पे तुमको PDF के अंदर चीज 50-60% समझ में आई थी, वहां तुम्हारे को अब 70-80 तक आ गई होगी, और अब अगर तुम एक बार लास्ट में करोगे तो तुम्हारे को और थोड़ा इम्प्रूव होगा। मैं एक बार कोशिश करूंगा वापस को सिंपल करने की, लेकिन चीजें कुछ इस तरीके से होगी, चीजें कुछ इस तरीके से होगी। तो मेरे पास यहाँ से A1 और A2 की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो, दोनों इक्वेशन हो गई, A+B करके निकाल सकते हो, और A1 और A2 के निकाल के आपको डायरेक्ट फाइनल एक्सप्रेशन क्या होता है? VT स्टेप रेस्पॉन्स इक्वल्स टू ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स प्लस VSS। यहां से VT के जो एक्सप्रेशन था वो क्या था मेरे पास? A1 e की पावर S1T + A2 e की पावर S2T
प्लस VSS, ये मेरा ओवरडैम्प्ड की इक्वेशन होगी। वो नहीं होता क्या, आप लोग मैथ्स में पढ़ के आ चुके हो ना कि कई बार हमारे को इक्वेशन निकालनी होती है, जैसे A1 A2 निकालनी है तो पहले हम इसमें जीरो पुट करते हैं, फिर इसके बाद में A1 निकालते हैं, फिर इसके बाद में वापस जीरो पुट करके फिर A2 निकाल लेते हैं और वापस इक्वेशन के अंदर रखते हैं। तो मेरे घुमा फिरा के वही किया, ये घुमा फिरा के वही है। जैसे एक मैथमेटिक्स इक्वेशन होती है ना, जैसे ये A1 और A2 आपके कांस्टेंट हो गए, A1 A2 कांस्टेंट हो गए, देखो इसको लेके करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ये 24 है, 24 का डिफरेंशियल करोगे तो भी आपके पास क्या जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे मैंने 24 का डिफरेंशियल करता ना मैं यहाँ पे, जैसे डीवी नॉट बाई डीटी था, तो यहाँ पे मैं 24 का डिफरेंशियल करता तो भी मेरे पास वैल्यू क्या आती, जीरो आती, तो सब कुछ सेंस ही नहीं यहाँ पे। तो कुल मिला के मैं इसका डिफरेंशियल करता, फिर A1 निकालता जीरो रख के, फिर इसमें पुट करता, फिर इसके A2 निकालता जीरो रख के, टाइम की रिस्पॉन्स है, फिर इसमें रखता। तो वही चीजें मैंने यहाँ की है। थोड़ी कोशिश करना, थोड़ा सा मेज से ही थोड़ा सा मिस्टेक होगी मेरे, तो इस चीज को पीछे समझाना चाहिए आपको, इस चीज को यहाँ पर समझाना चाहिए, वो नीचे रह गई इसमें। एनीवेज कुछ तो समझ में आया होगा, कुछ ना से बेटर। एक काम करें, आपकी लेबोरेटरी का तो मुझे पता है कि वो तो कैसे क्या करवानी है, मुझे कोई इशू नहीं है। इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करें नेक्स्ट क्लास के अंदर। क्लास यस सर। इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ तक मैं छोड़ रहा हूँ अभी, इस क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा मैं उसको कंप्लीट करने, वो लैब वाले के अंदर समझा दूंगा मैं आपको इसको, और लैब में भी ज्यादा नहीं लूंगा। और कोशिश ही करिएगा, फिर क्लास कितने बजे से है मेरी, वो नहीं कह रहा 11 कितने बजे आ रहा है टाइम, 9:30 तो मैं कोशिश करूंगा पहले ही लॉग इन करूँ आपके साथ, ठीक है, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट करूंगा उसके बाद तुमको जल्दी फ्री करूंगा मैं इसमें।